हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज पे। मैं हूँ प्रिया। रक्षाबंधन बस आने ही वाला है। इस रक्षाबंधन हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। जी हाँ, इस बार आप बाजार से मिठाइयाँ न लाएं, इस बार आप अपने भाइयों के लिए कुछ स्पेशल घर पे बनाइए। आज बनाते हैं सेवई की कटोरी। जी हाँ, सेवई की कटोरी विथ रबड़ी। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अमेजिंग है। इस बार आप भाइयों को ये बना के ज़रूर खिलाइए। तो चलिए फिर बनाते हैं सेवई कटोरी। इसके लिए मैं ले रही हूँ ये महीन वाला सेवई है जो रोस्टेड होता है, लेकिन इसको हम फिर से रोस्ट करेंगे और इसको थोड़ा महीन महीन तोड़ लेंगे। इसको आप थोड़ा और छोटा छोटा तोड़ लीजिए। मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इसमें डालेंगे लगभग दो छोटे चम्मच घी और इसको हल्का सा और रोस्ट कर लेंगे। और हम इसको लो फ्लेम पे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ये ऑलरेडी रोस्टेड है ही। सेवई हमारा रोस्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा, लगभग 2 चम्मच पानी, जिससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से मिला लें। मैंने यहाँ पे डाले हैं लगभग 3 बड़े चम्मच पानी। अब इसमें मैंने मिलाए हैं 3 टेबल स्पून लगभग मिल्क मेड, जिससे सेवई हमारी मीठी भी हो जाएगी और थोड़ी स्टिकी भी। इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। 1 टेबल स्पून और मिलाएंगे, जिससे इसको स्टिक करने में आसानी हो। ये आपको लगना चाहिए कि स्टिक हो जाएगा इस तरह से। जब तक खूब अच्छी तरह से मिल जाए तब आप गैस को ऑफ करें। इस टाइम पे आपको बहुत ही फटाफट काम करना होगा। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, बिल्कुल रेडी है। मैं इस तरह के बाउल्स यूज कर रही हूँ, या फिर आप इस तरह के मफिन्स कप में भी बना सकते हैं, या फिर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड है तो उसमें भी, किसी में भी बना सकते हैं। या तो इसमें आप हल्का सा घी लगा लें या फिर क्लिंग रैप थोड़ा लगा लें कि इसको निकालने में आसानी हो। तो आइए इसको डालते हैं फटाफट से। और साइज़ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इस तरह से फैलाते हुए सब तरफ से स्टिक कर लें। इस टाइम पे आप बहुत जल्दी जल्दी करें, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर जल्दी से स्टिक नहीं होता है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने चारों बोल रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम सेट होने के लिए 15 मिनट फ्रिज में रख देंगे। और जब तक हम इधर रबड़ी रेडी करेंगे, आप चाहें तो रबड़ी को पहले से भी रेडी करके एक दिन पहले भी रख सकते हैं, बिल्कुल वो चिल्ड होना चाहिए। रबड़ी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। इससे आपका फटाफट से रबड़ी बन जाएगा। ये 1 कप दूध, साथ में 2 टेबल स्पून घर की ताज़ी मलाई। आपके पास मलाई नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप दूध को बढ़ा सकते हैं। साथ में इलायची पाउडर, आप यहाँ चाहें तो काजू का पाउडर, बादाम का पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही में कुछ केसर के धागे। और इसको मैं मीठा करूंगी वही मिल्क मेड से, इसलिए शुगर नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको शुगर डालना है तो इस समय आप मिक्स कर सकते हैं। इन सबको पहले अच्छी तरह से मिल्क पाउडर के साथ मिक्स कर लें,
तब आप गैस को ऑन करें, नहीं तो फिर ये अच्छी तरह से घुलेगा नहीं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल 5 मिनट में ही ठीक होने लगा है। इसको थोड़ा ठीक ही बनाएंगे क्योंकि सिवई पे जब आप डालें तो वो बिल्कुल तुरंत सौगी ना हो जाए। और आपको अगर मिठास शुगर का चाहिए तो आप इसी टाइम पे डाल सकते हैं, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ मिल्क में डालूंगी। देख सकते हैं हमारा रबड़ी बिल्कुल ठीक हो गया, ये ठंडा होकर और भी जम जाएगा। गैस को ऑफ कर देंगे। बिल्कुल रेडी है हमारा रबड़ी। हमारी सेवई की कटोरियां भी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब इसमें डालेंगे कुछ काजू कतरन, काजू और बादाम है ये, और कुछ पिस्ता कतरन। मुझे इसका क्रंची टेस्ट पसंद है इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप पकाते समय ही डाल सकते हैं। रबड़ी हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, ये सेवई की कटोरियाँ भी बिल्कुल रेडी है। आइए इसको सर्व करते हैं। आइए फिर इसको सर्व करते हैं। डालते हैं इसमें ठंडी ठंडी रबड़ी। कुछ पिस्ता कतरन एक बादाम। आप जैसे चाहें इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। एक मिंट लीव, साथ ही एक चेरी। वाओ मस्त लग रहा है ना। तो इस रक्षाबंधन पर आप अपने भाइयों को ये स्पेशल मिठाई खिलाइए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।